बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड एक्सपो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी चिकन ब्रेड की रेसिपी। बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत सॉफ्ट। तो चलें अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करें। यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम मैदा। उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक का, और उसमें मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून चीनी, और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी 5 ग्राम यीस्ट, और उसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी 1 अदद अंडा। अंडा शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गरम पानी, और गरम पानी ऐड करके मैं थोड़ा थोड़ा इसको गूंद लूंगी। आटे को मैंने गूंद लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी 2 टेबल स्पून बटर के, और बटर जो है आपका वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, नरम होना चाहिए। बटर ऐड करने के बाद मैं इसको दोबारा से मसल लूंगी, बटर को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गूंद लेंगे। 5 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरह से गूंद लिया मैंने। अब मैं ऑयल लगाऊंगी बर्तन में थोड़ा सा, और इसको अच्छी तरह से ऑयल से कवर कर दूंगी आटे को भी, और बर्तन में भी अच्छी तरह से ऑयल ग्रीस करके उसके ऊपर कवर लगा के इसको किसी गर्म जगह पे 2 घंटे के लिए रख लेंगे। तो मैंने पैन ले लिया है, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल के ऐड किए हैं, और उसमें मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं, चॉप कर लिया है उनको, वो ऐड किया है, और इसको हम थोड़ा सा बस पकाएंगे, कलर इसका चेंज करेंगे, तो इसको ब्राउन नहीं करेंगे। और यहाँ पर मैंने चिकन लिया है, बोनलेस भी था और हड्डी वाला भी था, और इसको मैंने बॉयल करके श्रेड कर लिया है। चिकन मैंने लिया है 400 ग्राम्स। 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को इसमें पकाएंगे, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, और उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी टमाटो प्यूरी, हमारे पास आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं, और मैंने ये ऐड की है 1.5 टेबल स्पून, और इसको मिक्स कर लेंगे। लेकिन टमाटर जो आप ऐड करेंगे वो छिलका उतार कर यूज़ करें उसको। सब चीज़ों को मिक्स करके 1 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद मैं इसमें 6 टेबल स्पून चिकन स्टॉक ऐड करूँगी, जिसमें चिकन को बॉइल किया था। उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे हसबेंड जायका, और उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून सुरखी मिर्च पाउडर ऐड किया है। साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 टी स्पून हल्दी का, और 1 टी स्पून इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड करूँगी, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टी स्पून ही गर्म मसाले का, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टी स्पून ही जीरा पाउडर का। और उसके बाद इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करके हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक जो हमने चिकन स्टॉक ऐड की है वो ड्राई ना हो जाए, तब तक इसको पकाएंगे। चिकन स्टॉक हमारी ड्राई हो गई है। अब इसमें मैंने 1-2 अदद सब्ज़ मिर्च ली है, और उनको चॉप करके वो ऐड कर दी है। इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का, और उसके साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस के ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून दही लिया है, और 1 टेबल स्पून क्रीम भी है, उसको मिक्स कर लिया है, वो ऐड किया है, और उसके बाद इसको मिक्स करके पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। सब चीज़ों को अच्छी तरह से हमने पका लिया है, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टी स्पून काली मिर्च का, और 1 टी स्पून ही मैं इसमें चाट मसाले का ऐड करके यहाँ पे एंड हो गया है हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे, मसाला हमारा रेडी हो गया है। 2 घंटे हो चुके हैं, और दो राइस हो गई है, अपने इसका जो साइज है वो डबल हो गया है। अब इसको दोबारा से मैं 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से मसलूंगी, और इसको हम थोड़ा सा इसमें मैदा छिड़क के अच्छी तरह से मसल।
5 मिनट के लिए डो को अच्छी तरह से मसल लिया है। अब मैं इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। इससे मेरी 2 लार्ज चिकन ब्रेड बनेगी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इससे 4 मीडियम साइज की चिकन ब्रेड बना सकते हैं। इतने ही मसाले में और इतने ही आटे में 4 मीडियम साइज की चिकन ब्रेड बनेगी। मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी और उसके बाद मैं इसको बेल लूँगी। हाफ इंच मोटा रख के मैंने रोटी बेल ली है और इसके बाद मैं इसके ऊपर जो मैंने चिकन रेडी किया था मसाला वो ऐड कर लूँगी। मसाला अच्छी तरह से लगा लिया है अब रोटी के ऊपर। अब मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ यहाँ पे मैंने ली है 1 कप और मैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर रखूँगी मसाले के ऊपर। और उसके बाद हम जो ब्रेड को है वो छुरी से इसकी साइड्स को काट लेंगे। आपको जैसे वीडियो में नज़र आ रहा है ऐसे ही सेम फॉलो कीजिएगा। बेकिंग ट्रे ले लिया, उसमें एक ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ और अब मैं इसको जो हमने चिकन ब्रेड रेडी की है इसके ऊपर एग वॉश कर लूँगी। अंडे से इसको अच्छी तरह से कवर कर लूँगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं तिल छिड़क दूँगी। इसको ओवन में बेक करूँगी। ओवन में मैं इसको 20-25 मिनट के लिए 180 डिग्री पर बेक करूँगी। आप इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक कीजिएगा और 25 से 30 मिनट्स के लिए। आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर भी कलर आ जाता है, बहुत अच्छी बेक होती है पतीले में भी, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। देखिए माशाल्लाह से हमारी ब्रेड बेक हो गई है और मैं इसके ऊपर बटर लगाकर इसको 5-10 मिनट्स के लिए कवर करके रख दूंगी। हमने इसको कवर करके इसलिए रखा है क्योंकि इसमें जो मॉइस्चर बनेगा उससे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। देखिए माशाल्लाह से जबरदस्त सी और बहुत ही सॉफ्ट हमारी चिकन ब्रेड रेडी हो गई है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।